नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप ठीक ही होंगे। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जिनका शरीर नहीं बनता है। खाना बहुत सारा खाते हैं, टाइम से भी खाते हैं, जिम वगैरह वर्कआउट भी करते हैं, एक्सरसाइज दो दो घंटे करते हैं, सुबह 4 बजे भी जगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका शरीर दिन ब दिन दुबला पतला कमज़ोर होता जाता है और उनकी जो रंगत होती है बॉडी पर, जो लाइट होनी चाहिए उम्र के हिसाब से, वो नहीं रहती है। धीरे धीरे वो पीले पड़ते जाते हैं और उनका कहीं भी बैठने को दिल नहीं करता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है और किसी भी चीज़ को खाने को दिल नहीं करता। यहाँ तक कि वो एक गिलास दूध भी नहीं पी सकते। दूध पी भी लिया तो गैस बनेगी, पेट में टर टर की आवाज़ आएगी, गुड़ गुड़ ढाई सी टूटेंगी। तो वही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ये सारी समस्याएं क्यों झेलनी पड़ रही हैं, उसका मेन कारण क्या है, तो हमारी वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें कि क्यों आपका पेट जो है बार बार गैस बन रही है, क्यों आपका पेट साफ नहीं होता है और आपको बूंद बूंद करके लेटरिंग आती है। लेटरिंग आती भी है तो उसमें चिकनाई आती है, गोंद जैसा लेटरिंग में आता है। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कोई कपड़ा नीचे बिछा लेना है जिससे कि बॉडी पर ज़्यादा लगे नहीं। हमने एक चादर बिछा ली है। अब दोनों पैर एकदम बराबर और हाथ एकदम कमर से सट के दोनों होने चाहिए और गर्दन एकदम सीधी। उसके बाद जो है पेट को देखेंगे तो इन्होंने ऊपर को थोड़ा उठा रखा है, इसको नीचे को दबाने को बोलेंगे और इनकी धड़न चेक की है। धड़न तो इनकी एकदम बराबर बोल रही है, लेकिन जो इनके नले हैं आसपास के वो बहुत टाइट हैं। ये देखिए कितना सख्त एकदम ऐसा लग रहा है, बहुत टाइट है। इसमें इतना सख्त है कि आप जो है एकदम पत्थर की तरह इसको समझो। आपको दूर से ही दिख रहा होगा, न बंदा जिम करता है, न कोई एक्सरसाइज करता है, न सिक्स पैक की कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कर रहा है जिससे कि आपके सिक्स पैक बन गया। लेकिन फिर भी देखिए, पानी तक पीने में इस बंदे को जो है उल्टी टाइप की आती हैं और पेट गुड़गुड़ करता है और खाना तो बिल्कुल नहीं खाता है। डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के परेशान है, दवाई खाता है तब तक आराम मिलता है। दवा बंद करने के बाद फिर से लेटरिंग टाइट आती है, पेट में गुड़गुड़ की आवाज़, और लेटरिंग जो है एक एक दो दो घंटे लगा लेते हैं करने में। तो देखिए उसके बाद क्या है कि पेट हमने चेक किया और बहुत टाइट पेट है। उसके बाद इस पर सरसों का ऑयल, कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, वह डालना है और डालने के बाद पेट के चारों ओर उस ऑयल को लगा देना, अच्छी तरीके से लगाना है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने ये अच्छा जो सरसों का तेल है वो अच्छी तरीके से लगा दिया है और इसको आहिस्ता आहिस्ता, ज़्यादा टाइट नहीं रगड़ेंगे, हल्के हाथ से ये रगड़ना है। आप देख सकते हैं तो हमने ये चारों तरफ रगड़ दिया है और फिर देखिए उस ऑयल को हमें नाभि के बीच में ला कर के रोक देना है। देखिए नाभि पर ला के ये रोक दिया, बस इससे आगे मसाज नहीं करनी, आगे को नहीं ले जाएंगे, इसको वहीं रोक देंगे। इसी प्रकार दूसरी तरीके से नाभि पर जाके रोक देना है। अब देखिए चारों ओर से हमें इसी प्रकार से नाभि पर ही ला के रोक देना है। तो आप देख सकते हैं पूरा ऑयल जो हमने चारों तरफ लगाया था वो नाभि में जाके इकट्ठा हो गया है। तो आप देखिए ये ऐसे करके सूंघना है, हल्के से दबाव दे कर और नाभि पर आके रोक देना। तो हमने यह चारों ओर से दबाव देकर मालिश की है हल्के हल्के हाथ से, और इनके पेट में जो अंदर गांठें टाइप की बनी हुई हैं, एकदम सख्त पेट है, इनके नले पके हुए हैं। अब एक कपड़े की मदद से हमने पूरा ऑयल जो है साफ़ कर दिया है। साफ़ करने के बाद देखिए हल्का सा इनका जो पेट है लाल लाल हो गया है, आप देख सकते हैं, और इनका पेट कम से कम 50% आराम इनको मिल चुका है। और देखिए कितना आराम मिल चुका है, इनका पेट एकदम मुलायम टाइप का हो गया है, आप देख सकते हैं। देखो पहले तो उंगलियां भी इसमें नहीं जा पा रही थी, लेकिन अब जो है इसमें उंगलियां जा रही हैं, आप देख सकते हैं। देखो अभी यहाँ इस जगह पर ये टाइट रह गया है। इनकी ये 2-3 दिन एक्सरसाइज चलेगी, यही प्रक्रिया हम चेक करेंगे। नाभि तो पहले भी ठीक थी, अब भी ठीक है, और इनके नले पके हुए हैं। इनको कम से कम 3-4 दिन सुबह सुबह खाली पेट सिकाई करनी होगी। सिकाई करने के बाद एक गिलास पर डे
खाली पेट घी डाल के दूध पीना होगा और यह 3 दिन में एकदम फिट हो जाएंगे। खाना पीना ठीक से खाएंगे और स्वतः ही अपने आप बिना किसी दवा के भूख लगेगी। यह जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप इस रोग को स्वयं पहचानें और इसका जो इलाज है आप खुद करें, अपने घर पर ही करें, किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस प्रकार का कोई भी रोग आपको अपने अंदर दिखता है, पेट टाइट हो जाता है, भूखने लगती, पेट आवाज़ करता है और एकदम आपको लेटरिन गॉन टाइप की आती है और या फिर खुशक हो जाती है, तो आप सुबह खाली पेट उस पेट की सिकाई करें और सिकाई करने के बाद खड़े होकर के एक गिलास दूध, एक चम्मच घी डाल के पिएं। 3 दिन यह प्रयोग करना है, बस आप स्वयं ठीक हो जाओगे। तो अब देखिए इनका जो पेट है थोड़ा टाइट था, तो अब देखिए इनके पैर थोड़े पतले हैं, तो इन पर ये पैर यहाँ पर नहीं रोके जा रहे थे, तो हमने यह जो दोनों अंगूठे पकड़कर 4 अंगुल ज़मीन से ऊपर इनके पैर रोके हैं और देखिए पूरा जोर जो है पेट पर पड़ रहा है, जिससे कि इनके नले नरम हो जाएंगे और इनको खाना पीना भूख भी लगेगी और खाएंगे पिएंगे वो शरीर पर भी लगेगा। यह बहुत आसान तरीका है, आप अपने घर पर स्वयं कर सकते हैं। तो अब देखिए इनका पेट जो है कम से कम 50-60% एकदम मुलायम हो गया है, उंगली आराम से अंदर जा रही हैं, नाभि तो एकदम फिट है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें।